गुड मॉर्निंग ग्रेड One. वेलकम टू your इंग्लिश क्लास इन today's English इंग्लिश क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नेमिंग वर्ड्स नेमिंग वर्ड्स words का दूसरा अर्थ होता है नाउन ओके okay? आगे से हम यही वर्ड यूज करेंगे नाउन हम नेमिंग वर्ड्स नहीं यूज करेंगे हम क्या करेंगे यूज नाउन ओके वी आर going टू यूज the वर्ड नाउन नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड्स नेमिंग वर्ड्स यानी चीजों के नाम लोगों के नाम जगह के नाम जानवरों के नाम तो नेमिंग वर्ड सीखने के आसान करने के लिए नेमिंग वर्ड्स को हम चार कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है पीपल प्लेसेस एनिमल्स थिंग्स ओके पीपल प्लेस एनिमल थिंक सो व्हाट आर पीपल पीपल आर पर्सनस लोग जो होते हैं इंसान जैसे कि बॉय टीचर डॉक्टर इसके अंदर डॉक्टर भी आ सकता है इसके अंदर नाम भी आ सकते इसमें कैसे नाम कैसे आएंगे एनी नेम लेट से रिया रिया कहाँ आएगी पर्सन में आएगी पीपल में आएगी क्योंकि रिया इज अ पीपल सोल्जर डॉक्टर टीचर ऑल आर कम्युनिटी हेल्पर्स मदर फादर दे आर ऑल पीपल तो ये सारे वर्ड्स पीपल के अंदर आएंगे देन लेट्स लुक एट प्लेसेस प्लेसेस में क्या हो सकता है यानी कि जगह का नाम गार्डन गार्डन एक जगह है ना विलेज गांव एक जगह है है ना स्कूल एक जगह का नाम है राइट क्लास रूम ये भी जगह का नाम है हॉस्पिटल ये भी जगह का नाम है तो जगह मतलब प्लेस प्लेस वो सारे प्लेसेस के जितने नाम होंगे वो सारे प्लेस में आएंगे राइट एनिमल्स एनिमल्स आपको एनिमल्स पता ही है एनिमल्स मीन्स ऑल द एनिमल नेम्स कैट डाक लायन एंड ऑल दिस विल कम अंडर एनिमल्स थिंग्स थिंग्स मीन्स चीजें राइट लाइक केक नीडल दीज आर थिंग्स ओके ऑब्जेक्ट्स केक नीडल पेंसिल इरेजर ये सब थिंग हो गए इट सो दीज आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं पीपल प्लेस एनिमल थिंग राइट वाई आर दे कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स बिकॉज ये इन चीजों के नाम है ना जैसे पीपल के नाम हैं लोगों के नाम हैं प्लेसेस के नाम हैं एनिमल्स के नाम हैं थिंग्स के नाम हैं इसीलिए दे आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स रिमेंबर नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स डोंट फरगेट दिस ओके नाउ वट वी आर गोइंग टू डू इज यू हैव टू प्लेस ऑल दीज पिक्चर्स इन फोर थिंग्स विच आर द फोर थिंग्स पीपल प्लेस एनिमल एंड थिंग्स सो यू हैव टू गेट योर बुक रेडी लाइक दिस आपकी बुक आपको ऐसे तैयार करनी है आपको एक कॉलम पीपल का बनाना है एक प्लेसेस एनिमल्स एंड थिंग्स यू हैव टू मेक फोर कॉलम्स विथ पीपल प्लेसेस एनिमल एंड थिंग रिमेंबर टू राइट योर डेट हेयर सब्जेक्ट टॉपिक एंड योर नेम एट दी आर गोइंग टू आंसर टू वी आर गोइंग टू राइट सेंटेंसेस वी गोइंग टू राइट टू सेंटेंसेस हियर ओके we'll come to that first let's understand I'm going to read every picture for you so that you can put it in the respective place I'm going to मैं क्या करूँगी मैं ये हर एक picture आपके साथ में पढ़ूँगी ताकि आप उसको proper place पे डाल डाल सको एक example देखो आपके लिए किया हुआ है यहाँ people में doctor डाला हुआ है doctor who is doctor doctor is a person no so it, he goes in people now let's read this together फिर आप कंप्लीट करेंगे बी यानी कि मधुमक्खी हॉस्पिटल बीच आपको सोचना है ये पीपल है प्लेस का नाम है एनिमल है कि थिंग है डॉक्टर माउस लेडी चेयर पीकॉक, स्कूल बुक Shell. Clown. You have to think. Clown is a person. Is a place. Is an animal or is he a thing? Think. Okay. And then you have to put it in this. Okay. And remember, birds, fish, and insects are also known as animals. They also come in animals. Birds, fish, and insects. Right? So complete this. इन योर बुक लाइक दिस एंड देन वी विल आंसर वी हैव टू राइट सेंटेंसेस हमको किसके बारे में सेंटेंसेस लिखना है अपने यहाँ जो भी एनिमल्स लिखे हैं ओके okay? इस पिक्चर में देर आर थ्री एनिमल्स इसके अंदर देर आर थ्री एनिमल्स यू हैव टू राइट दोज थ्री एनिमल्स हेयर फिर कोई भी दो एनिमल पे आपको सेंटेंस बनाना है मैं आपको एग्जाम्पल के दौर पे यहां लिख रही हूं एक एग्जाम्पल दूंगी सेकेंड आप अपने आप लिखेंगे ओके आई एम राइटिंग एन एग्जाम्पल हियर ओके माउस रैन अवे From the cat. आपको क्या करना है सेंटेंस बनाना है किससे बनाना है सेंटेंस एनिमल्स के अंदर आपने जो भी लिखा है उससे आपको सेंटेंस बनाना है सेंटेंस में हमेशा पहले आगे एनिमल का नाम आएगा फिर उसने क्या किया व्हाट इज इट व्हाट डिड यू डू एक्शन ओके एंड लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट लास्ट की चीज जो भी लास्ट में सेंटेंस के एंडिंग में आएगा ओके okay? जो भी आपको बताना है राइट सो द माउस रैन अवे फ्रॉम द कैट दिस इज द सेंटेंस आई मेड नाउ यू हैव टू मेक अ सेकेंड सेंटेंस विद अ नदर एनिमल दिस एनिमल हैज टू कम फ्रॉम योर यहां आपने जो एनिमल के नाम लिखे हैं उसी से आपको सेंटेंस बनाना है अब आप माउस से सेंटेंस नहीं बना सकते यू हैव टू मेक अ नदर सेंटेंस विद अ नदर एनिमल राइट and from where do you get these animals from here this is your worksheet from this worksheet you have to do your people places animal and things so send me a picture quickly these waiting thank you